हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ में प्रोस का आज मैं थर्ड चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। द नेम ऑफ दिस चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का क्या रहस्य है इस चैप्टर में बताया गया है, और साथ ही बताया गया है कि कैसे इसे प्राप्त करेंगे। वी शुड टेक गुडनेस एंड वर्च्यू अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि भाई हम हर परिस्थितियों में हमें क्या लेना चाहिए, एक अच्छा और मतलब एक अच्छी सोच रखनी चाहिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस चैप्टर में ये बताया गया, इस चैप्टर में बताया गया है कि एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड यानी कि क्रोध, चिंता, जलन, लालच, अगर ये सब कोई रखेगा तो उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसे ये सारी चीज़ें छोड़नी होगी। प्योर एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, मतलब कि एक व्यवस्थित दिमाग अगर कोई रखे तो वही सीक्रेट ऑफ हेल्थ है। अगर किसी का दिमाग व्यवस्थित है और सही सोचता है, हर समय फालतू की बातें नहीं सोचता है, किसी से जलन नहीं, किसी से क्रोध नहीं, तो उसकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। स्ट्रॉन्ग फेथ एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और जिन लोगों का फेथ स्ट्रॉन्ग है मतलब विश्वास जो है वो एकदम दृढ़ है, और जिस लक्ष्य पे जाना है वो सिंगल है यानी भटक नहीं रहे इधर उधर, वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट है कंट्रोल ओवर पैशंस, और जो लोग अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं वो है द सीक्रेट ऑफ पावर। दिस चैप्टर वॉज रिटन बाई जेम्स एलन। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वेयर देयर इज अ स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंगली purity, there is a health, there is a success, there is a power. Where there is a sterling, वहाँ जहाँ sterling faith, sterling में होता है अडिग, अपनी जगह पर अड़े रहना, जहाँ पर एक अडिग विश्वास हो, faith में होता है विश्वास। देखिए पहले मैं आपको meaning बता देता हूँ, sterling में होता है अडिग, faith में होता है विश्वास, uncompromising मीन्स कंप्रोमाइज, जिसमें ना किया जाए किसी से समझौता, ना किया जाए, प्योरिटी में शुद्धता, हेल्थ में स्वास्थ्य, सक्सेस में सफलता, पावर में शक्ति। जहाँ पर एक दृढ़ विश्वास हो और भलाई और सद्गुण को महत्व देने वाला यानी जो पवित्रता है, देयर इज अ हेल्थ जहाँ पर भलाई और सद्गुण हो, वहीं पर हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य होता है, देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता होती है, देयर इज अ पावर, और वहीं पर ही शक्ति भी होती है। जहाँ पर दृढ़ विश्वास हो और भलाई हो, सद्गुण हो, अच्छा से समझौता हो एक दूसरे के बीच में, वहाँ पर आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। इन सच अ मैन, ऐसे आदमी में डिसीज, देखिए सच में होता है ऐसा, ऐसा, ऐसे, इन सच अ मैन, ऐसे आदमी में डिसीज, फेलर एंड डिजास्टर, कैसे आदमी में जिसके मन में क्या हो, स्टर्लिंग फेथ हो और अनकम्प्रोमाइजिंगली प्योरिटी हो, तो ऐसे आदमी में डिसीज यानी कि बीमारी, फेलर यानी असफलता एंड डिजास्टर, देखिए डिजास्टर मीन्स बेटा होता है आपदा या बहुत ज़्यादा मतलब कि तबाही, लेकिन यहाँ पे आप दुर्भाग्य बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे आदमी में डिसीज़ यानी कि बीमारी, फेलर, असफलता एंड डिज़ास्टर और दुर्भाग्य कैन फाइंड नो लॉन्गमेंट, लॉन्गमेंट होता है पनपना, वो लंबे समय तक नहीं पनप पाता। ऐसे आदमी में जिसके मन में
स्टर्लिंग फेथ हो, अनकम्प्रोमाइजिंगली प्योरिटी हो, ऐसे व्यक्ति में बीमारी, असफलता, दुर्भाग्य लंबे समय तक नहीं रह पाता, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास अडिग है, वो अच्छा सोचता है हर समय, तो उसके पास कोई बीमारी नहीं आती है, हमेशा सक्सेसफुल बना रहता है, पावर बना रहता है, तो सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाती हैं, लंबे समय तक उसके पास नहीं रह पाती हैं, या ये कह सकते हो कि वो ख़त्म ही हो जाती हैं। फॉर देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, और कुछ भी नहीं रहता ऑन विच दे कैन फीड, जिससे वो दे कैन फीड मतलब वो लंबे समय तक फल फूल सके। आगे देखिए, द सूनर, जितनी जल्दी हो सके, हमें कर लेना चाहिए कि हम रियलाइज़ कर लें एंड एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, जितनी जल्दी हो सके हमें स्वीकार मतलब महसूस करना चाहिए और एक्नॉलेज और स्वीकार करना चाहिए दैट कि सिकनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि जो सिकनेस है यानी जो बीमारी है जो हमारे अंदर की, वो द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन। एरर मीन्स होता है बेटा गलत, मतलब जो गलती होती है उसको कहते हैं, और सिन मिस होता है अपराध, तो जो हमारे अंदर की गलती या जो अपराध है उसी के खुद का ही परिणाम है, जो हमारी बीमारी है वो हमारी गलती का ही परिणाम है, हमारे अपराध का ही परिणाम है। द सूनर, जितनी जल्दी हो सके, यहाँ पे ये था, यहाँ पे आ जाएगा उतनी जल्दी, जितने जल्दी उतनी जल्दी, जितनी जल्दी हम महसूस कर सके और स्वीकार कर सके कि हमारी गलती की, हमारे अपराध का ही जो परिणाम है वही हमारी बीमारी है, उतनी जल्दी शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, हम इंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे हेल्थ के हाईवे पर, कर जाएंगे, गागी है ना, ग्रामर है बेटा, बात समझने की कोशिश करिएगा। नो सूनर या सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है। ओके, द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, कि हम जितनी जल्दी महसूस कर लेंगे उतनी जल्दी ही हम हेल्थ के मार्ग पे चलने लगेंगे, हाईवे पे चलने लगेंगे, जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे कि हमारी गलती के वजह से ही हमारे अंदर बीमारियाँ हैं। डिसीज कम्स ऑफ दोज हु अट्रैक्ट, बीमारियाँ उन्हीं को आती हैं जो इन्हें आकर्षित करते हैं। देखिए, बहुत भयंकर कोरोना चल रहा है और बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, मुझे भी अच्छा लगता है और ये एक फिलॉसफी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना दवाइयों के ही आदमी ठीक हो जाए, लेकिन वो इतना सोचता है आज के ज़माने में, इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा टेंस है ना कि उसे शुगर जैसी बीमारी हो ही जा रही है, वो इतना ज़्यादा जलन करता है लोगों से, इतना ज़्यादा ईर्ष्या कर रहा है, वो इतना ज़्यादा क्रोध कर रहा है, इतना ज़्यादा लालच कर रहा है कि उसे बीमारियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें जेम्स एलन जो है वो इसी चीज़ को मना कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ये सारी चीज़ें ना करे। डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, बीमारियाँ उन्हीं के आती है जो इन्हें अट्रैक्ट करते, टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, या उनके जिनका जो दिमाग है और जो उनका शरीर है रिसेप्टिव टू इट, या उनका ग्राही है, रिसेप्टिव मीन्स होता है ग्राही, या तो उनके पास आती है जो इसे अट्रैक्ट करते हैं, या उनके पास, या जिनका दिमाग और जिनका शरीर जो है उसका ग्राही है, मतलब एकदम कमज़ोर से बने हुए हैं, हर समय खांसते और छींकते रहते हैं कि थोड़ी सी भी बीमारी आई और उनके हो गया, मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी बनाओ, हेल्दी का मीन्स ये नहीं है कि मोटे हो जाओ और बॉडी वॉडी बना डालो, हेल्दी का मीन्स है अंदर से आप स्वस्थ हो, बीमारी नाम की चीज़ ना हो, तो रिसेप्टिव टू इट एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हु स्ट्रॉन्ग प्योर एज पॉजिटिव थॉट, उन लोगों के पास आते हैं जिनका दिमाग और जिनका शरीर इसका ग्राही होता है, और फ्लीज और भागती है, फ्ली मीन्स भागना, फ्रॉम दोज उनसे हु स्ट्रॉन्ग जिनका मजबूत प्योर शुद्ध एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर और सकारात्मक विचार का वातावरण जनरेट मतलब उत्पन्न होता है, हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट, मतलब उनके में ऐसा सकारात्मक विचारों का मतलब मंडल बनता है, हीलिंग में होता है स्वास्थ्य
और लाइफ गिविंग करंट मतलब जीवन देने वाली धाराएं जिस व्यक्ति के अंदर चल रही होती हैं, जिसका दिमाग जो स्ट्रांग होता है, प्योर होता है, पॉजिटिव थॉट, हर समय निगेटिव नहीं सोचता है, किसी के बुरा नहीं सोचता है, उससे बीमारियां दूर भागती हैं। और ये सच भी है, हार्मोन्स उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, यदि तुम्हें क्रोध दिया जाए मतलब तुम्हें गुस्सा आए, वरी चिंता आए, जेलसी जलन हो, ईर्ष्या हो, ग्रीड लालच हो, और एनी अदर इनहारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड। इनहारमोनियस मीन्स बेटा होता है जो आंशिक, जो आपका मानसिक अवस्था है वो जब अशांत होता है मतलब जो शांत नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनहारमोनियस स्टेट। तो जब तुम्हें गुस्सा आए, चिंता हो, जलन हो, ईर्ष्या हो, लालच हो, और जब दूसरे कोई अशांत मानसिक अवस्था हो, एंड एक्सपेक्ट, और तुम फिर ये आशा करो किस चीज़ की, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ की, एक पूर्ण रूप से शारीरिक स्वास्थ्य मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य की चिंता मतलब ये आशा करो। एक तो तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, तुम्हारे अंदर चिंता है, तुम्हारे अंदर जलन है, तुम्हारे अंदर लालच है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उसके बावजूद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम आशा करते हो कि तुम्हें एक फिजिकल हेल्थ तुम्हारी अच्छी हो जाए। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तुम असंभव चीज़ को क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, आशा कर रहे हो। फॉर यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड ऑफ डिसीज इन योर माइंड, तुम लगातार सोइंग बो रहे हो सीड्स, बीजों को ऑफ डिसीज, बीमारियों के बीजों को तुम लगातार बो रहे हो इन योर माइंड, कहाँ, अपने दिमाग में। मीन्स फालतू में जलन ना करो, निगेटिव मत सोचो, किसी के प्रति ना सोचो, पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, फिर आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी, कोरोना भी नहीं आएगा। ठीक, एक मैं ही हूँ, देखिए मुझे ही बीमारी नहीं होती, भगवान ना करे हो, लेकिन बहुत ही ऐसे ही रहना चाहिए बस। सच कंडीशंस ऑफ माइंड, ऐसे जो दिमाग है उनका जो कंडीशन है, उनकी जो अवस्था है, आर केयरफुली शंड बाय द वाइज मैन। ऐसे दिमाग की जो अवस्था है वो केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, शंड शंड में होता है बचाव करना, वो ऐसी अवस्था जो दिमाग की ऐसी अवस्था होती है उसको सावधानी पूर्वक बचा लिया जाता है बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी के द्वारा। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो ऐसी चीज़ों को, ऐसी जो वरी जेलसी एंगर बहुत सारा इनहारमोनियस माइंड, ऐसी चीज़ों से जो बुद्धिमान आदमी होता है वो बच जाता है। फॉर ही नोज देम, इसके बारे में ही नोज देम, वो इनके बारे में जानता भी है। टू बी फार मोर डेंजरस, कि उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत अधिक क्या है, डेंजरस है। देन द बैड ड्रेन, और कैसे हैं, किससे ज़्यादा डेंजरस है, किससे भी ज़्यादा खतरनाक है, बैड ड्रेन एक गंदी नाली से भी ज़्यादा, ड्रेन मीन्स होता है नाली, नाला जिसमें गंदा पानी बहता है, तो एक गंदी नाली से भी ज़्यादा ऐसा दिमाग क्या है, बेकार है, डेंजरस है। और एन इन्फेक्टेड हाउस, और एक इन्फेक्टेड हाउस से भी ज़्यादा, आप ये बोल सकते हैं गंदे, है ना, संक्रमित, इन्फेक्टेड में संक्रमित घर, संक्रमित घर से भी ज़्यादा, और एक गंदी नाली से भी ज़्यादा दिमाग, कैसा दिमाग, इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या ऐसा दिमाग जिसमें ये सारी बेकार बातें भरी हों, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मुझे उसकी हिंदी नहीं मिल पाती है बहुत अच्छी, जैसे इन्फेक्टेड को संक्रमित कहते हैं, ये बात मालूम है मुझे, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी मिल नहीं पाती। तो अगर मैं इसको बोल दूँ इन्फेक्टेड, तो इन्फेक्टेड एक नॉर्मल वर्ड हो गया है, माइंड है तो माइंड एक नॉर्मल वर्ड हो चुका है ना, तो जो है आप जो है इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे उधर एक सब्जी वाला आता है सुबह सुबह, तो डेली आके जो है वो सब्जी बेचने लगता है मेरे घर के सामने, उसी की आवाज़ है, परेशान मत होइएगा। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल लैक एंड पेंस एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हारमोनी, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हारमोनाइज योर थॉट,
इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक मिस होता है दर्द, पेन मिस भी होता है दर्द, अगर तुम ऐसी फिजिकल एक्ट से या किसी भी भौतिक अवस्था मतलब जो भौतिक दर्द हैं परेशानियां हैं उनसे तुम फ्री होना चाहते हो, बचना चाहते हो, एंड वुड इन्जॉय परफेक्ट फिजिकल हारमोनी और एक अच्छी जिंदगी मतलब एक सुखद स्वास्थ्य हारमोनी में से एक सुखद स्वास्थ्य में रहना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो, तो देन तब पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने दिमाग को व्यवस्थित करो एंड हारमोनाइज योर थाट, और अपने जो तुम्हारा जो थाट है तुम्हारे जो विचार है उसको हारमोनाइज करो, उसको व्यवस्थित करो। थिंक जॉयफुल थाट, हमेशा कैसे थाट सोचो, कैसे विचार सोचो, जॉयफुल आनंदित होने वाले, हमेशा खुश रहो। थिंक लवली थाट, कैसे थाट सोचो जो प्यारे हों। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कर्स थ्रू द योर वेंस, तुम्हारी नसों में देखिए एलिक्सिर मिस क्या होता है, एलिक्सिर मिस होता है अमृत, गुडविल मिस होता है अच्छी चीज़ें, है ना, अच्छी चीज़ों का जो अमृत है वो तुम्हारे वेंस में क्या हो रहा है, बहेगा। अगर तुम ऐसे मतलब अपने दिमाग अपने नसों में क्या बहाओ, अच्छी चीज़ों का अमृत बहाओ, मतलब अपने हमेशा अच्छा सोचो, एंड यू विल नीड और फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी नो अदर मेडिसिन, किसी और क्या बोलेंगे दवाइयों की। पुट अवे योर जेलसीज, अपनी पुट अवे मीन्स दूर रखो, दूर कर दो अपनी जेलसीज, अपने जलन को, योर सस्पीशियंस मिस होता है बेटा जो शंका होती, कुछ लोगों को शंका होती है कुछ चीज़ों की, है ना, तो फालतू में बैठे शक कर रहे हैं, तो जो जेलसीज हैं यानी कि जो तुम्हारे अंदर की जो जलन है जो ईर्ष्या है उसको दूर कर दो, जो शंकाएं उसको दूर कर दो, योर वरीज तुम्हारी जो चिंताएं उसको दूर कर दो, योर हेट्रेड तुम्हारी जो घृणा है उनको दूर कर दो, योर सेल्फिश इंडलजनेस, सेल्फिश मिस होता है बेटा स्वार्थी, और इंडलजनेस मिस होता है बेटा जो मतलब स्वार्थी कार्य और आचरण जो होती है, मतलब ये बोल सकते हो कि इंटेलिजेंस मिस वैसे होता है लग्जरी चीज, लग्जरी की हिंदी होगी विलासिता, ओके बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी ढूंढने में, तो जो सेल्फिश इंटेलिजेंस है यानी जो जो विलासिता है ना खुद के प्रति कि खूब जितना लग्जरी बन जाए, खूब पैसा वाले हो जाए हर समय, वो सारी चीज़ों को पुट अवे कर दो, दूर कर दो, एंड यू विल पुट अवे योर डायसेप्सिया, ये भी बेटा ये बीमारी है डायस्पेपिप्सिया, ये क्या होती है डायस्पेप्सिया, ओके मेडिकल लाइन की लाइन हो गई इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई प्रोनाउंस करने में, बेटा इस बीमारी में क्या होता है बॉडी में अपचन होने लगता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से, तो अगर ये तुम सारी चीज़ों को तुम दूर रख दोगे, जेलसीज को, अपने ईर्ष्या को, शंकाओं को, दुख को, जो तुम्हारे अंदर की जलन है उसको, चिंताएं उसको, अपने अंदर की जो स्वार्थी स्वार्थ से भरा हुआ तुम्हारा जो विलासिता है उसको, तो तुम किस चीज़ को दूर कर दोगे उस बीमारी को, मतलब डाइजेस्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम फिर कुछ भी खा पी लोगे नहीं तो पेट दर्द होगा, दिक्कतें आएंगी, बीमारियाँ होंगी, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें तुम छोड़ दो तो फिर तुम्हारे पेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ बढ़िया से पचने लगेगी। योर बिलियसनेस, देखिए बिलियसनेस मिस होता है बेटा, ये भी एक बीमारी होती है जिसमें जो है ये कह सकते हो बैड डाइजेशन होने लगता है, अपने अंदर का जो डायस्पसिया है उसको तुम कम कर दोगे, ओके, और जो तुम्हारे अंदर का जो बिलिसनेस है वो भी कम हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ओके बिलिसनेस मिस होता ही है वैसे बेटा, मतलब डाइजेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। योर नर्वसनेस, तुम्हारे अंदर का जो नर्वसनेस है यानी जो तुम्हारे अंदर का डर है घबराहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, एंड एकिंग ज्वाइंट, और जो जोड़ों में जो दर्द है घुटनों में जैसे बुढ़ापे में दर्द आने लगता है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर तुम जलन शंकाएँ चिंताएँ दुख हृदय वो घृणा ये सारी चीज़ें तुम ख़त्म कर दोगे तो।
इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डिब्लिटेटिंग, अगर तुम परसिस्ट करोगे, अगर तुम इससे दृढ़ रहोगे, क्लिंगिंग चिपके रहोगे टू दिस डिब्लिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग मीन्स ऑफ विचार, एक ऐसे विचार जो भ्रष्ट और कमजोर बनाते हैं, ओके, डिमोरलाइज मीन्स होता है कमजोर बनाते हैं, ओके, डिब्लिटेटिंग मीन्स भ्रष्ट, एक ऐसे भ्रष्ट विचार जो आपको कमजोर बनाते हो, आपके हैबिट ऑफ माइंड मतलब आपके जो दिमाग को क्या करते हो, कमजोर बनाते हो। देन डू नॉट कंप्लेन, अगर ऐसी चीज़ों से तुम चिपके रहोगे, कैसी चीज़ों से, जलसी से, सस्पिशियस से, वरी से, हेटेड से, अगर तुम इन चीज़ों से चिपके रहोगे, देन डू नॉट कंप्लेन, तब कंप्लेन मत करना व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, कि तुम्हारी जो बॉडी है वो सिकनेस में आ गई है, बीमार हो गई है, या तो इसको छोड़ दो तो तुम्हें तुम्हारी सारी समस्या डायस्पेप्सिया की और बिलियसनेस की सारी समस्याएं सही हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम इन सब चीज़ों से चिपके रहोगे, क्लिंगिंग करोगे, देखिए क्लिंगिंग वर्ड आ चुका है, जब आपको मैंने आ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ाया था, उसमें एक जो बंदर था वो अपनी बच्चा, बंदर का बच्चा था वो क्या किए होता है, अपनी माँ से क्लिंगिंग किए हुआ था बीनीथ स्टमक, है ना, आप स्टमक के नीचे चिपका हुआ था, तो जो है ये वर्ड आया था, तो ये बता रहे हैं कि अगर सब इन सब चीज़ों से चिपके रहोगे, इन बुरी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, तब फिर मत बोलना कि बॉडी ख़राब हो गई है, बॉडी में बीमारी आ गई है, ओके। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, कल मैं इसका आगे का पार्ट लेकर आऊँगा। गुड डे।